गुड मॉर्निंग गाइस, 1:49 इन द मॉर्निंग, सैटरडे हो रहा है और डीजल फुल कराने जा रहा हूँ मैं। फिलहाल मुंबई में हूँ, 50 की रेंज बाकी है। ओडोमीटर आप देख सकते हैं 1,42,143 और 148 हो रहा है। निकलते हैं क्योंकि कल दोपहर में, मतलब आज दोपहर में मुझे निकलना है बैंगलोर के लिए, तो उसी के लिए फुल करा लेते हैं। भर लिया है डीजल, 2:05 और ट्रिप भी रीसेट कर दिया, रेंज बढ़ जाएगा, आपको तो पता ही है अब तक। Hey, good morning guys, this is Vicky from Vicky Vlogs, welcome back to my channel। और मैंने गुड मॉर्निंग इसलिए कहा क्योंकि मैं व्लॉग शायद मॉर्निंग में डालूंगा, वैसे दोपहर के 3:34 हो रहे हैं। कल रात को हमने डीजल फुल किया था, 850 की रेंज है, 5 किलोमीटर हम आए थे पंप से, हम यानी कि मैं, मेरी गाड़ी और सारी जो डिटेल्स है ज़ीरो है, 0-0 पर है। टेम्परेचर 32 है बाहर का, 2 मिनट हो गया है इंजन वार्म अप करके, एंड निकल रहे हैं बैंगलोर के लिए। तो मुंबई टू बैंगलोर जर्नी हो रही है एंड आपको पूरा स्टैट्स में बताता हूँ मैप पे कितना टाइम लगने वाला है, कौन सा रूट हम लेंगे वो आपको मैं दिखा देता हूँ गाइस। तो ये है बिल गाइस, पेट्रोल पंप से जो मिला था डीजल भरने के बाद। वॉल्यूम आप देख सकते हैं 48.79 लीटर हमने लिया था 4,602 रुपये का, और रेट है मुंबई में 94.31। दिस इज़ अ रूट मुंबई से पुणे, कोल्हापुर, हुबली होते हुए, दमनगिरी होते हुए हम पहुंचेंगे बेंगलोर। अभी दिखा रहा है 17:08, 993 किलोमीटर। मैं आपको ये टाइम दिखा देता हूँ एक बार। 8:48 इज़ द अराइवल टाइम। हम डिनर ब्रेक लेने वाले हैं और एक चाय ब्रेक, 2 चाय ब्रेक लेंगे एंड देन विल बी यू नो गुड टू गो, कंटिन्यू द जर्नी एंड रीच समवेयर अराउंड 10 or 11। अभी हम लोग गाइस देवनार पहुंच रहे हैं, आगे से हम लेफ्ट लेंगे वाशी की तरफ, राइट लेंगे तो चेंबूर की तरफ निकलते हैं। और जस्ट मेरे दिमाग में एक यू नो थॉट आया, बहुत साल पहले, मतलब 10-12 साल पहले जब मैं जॉब करता था, अंधेरी में मेरी ऑफिस हुआ करती थी, और जब मुझे यहाँ पे काम आता था यू नो बाइक से आने के लिए किसी दिन, तो ऐसा लगता था मैं बहुत दूर आ गया, बहुत ज़्यादा दूर आ गया, यू नो ऐसा फील होता था एक टाइम पे। और अब ये दिस इज़ नथिंग, अभी जैसे अभी जा रहा हूँ बैंगलोर, आई डोंट फील लाइक इट्स टू फार। तो लाइफ में कैसा है कि जब कोई चीज़ आप हासिल करना चाहते हो ना, तो लगता है कि बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, कांट डू इट, बट जब अचीव कर लेते हो देन यू फील लाइक अरे यार इट वॉज ईजी, इट जस्ट रिक्वायर्ड एफर्ट्स, यू नो दैट इज़ वॉट द थॉट वॉज। और एक चीज़ गाइस, आई एम वेरी एक्साइटेड टू टेस्ट द माइलेज टुडे, क्योंकि मैंने मैकव्हील्स अपग्रेड कर लिए हैं। पहले मेरे पास स्टील रिम हुआ करते थे, जैसे कि आप जानते हो, मैंने इसी हफ्ते बैंगलोर निकलने के पहले कुर्ला मार्केट से जाके जो है मैकव्हील्स मैंने लिए। उसका व्लॉग मैंने नहीं बनाया क्योंकि बहुत सारे व्लॉग पेंडिंग है, जैसे कि आप देख ही रहे हो, भीमताल से जयपुर, जयपुर से मुंबई, फिर अहमदाबाद, तो बहुत लेट आ रहे हैं क्योंकि मेरा लैपटॉप जो है काफ़ी स्लो हो चुका है। तो उसकी मैंने स्टोरी बनाई है, वो मैं आपको यहाँ पे ऐड कर दूंगा। और मुझे माइलेज चेक करना है कि कोई डिफरेंस आया है या नहीं आया है। गाड़ी में लोड जो है सेम उतना ही है जितना अक्सर मैं लेके जाता हूँ, नथिंग एक्स्ट्रा और लेस। तो चेक करेंगे बैंगलोर तक कितना निकाल पाते हैं मैकव्हील से। एज यू कैन सी, वीकेंड होने का नतीजा सैटरडे है आज। अभी भी हम पनवेल के पहले हैं, पनवेल नहीं पहुँचे, 4 बजे निकले थे, 5:30 हो रहा है, इतनी देर में हम लोग लगभग खालापुर पहुँच जाते हैं। तो सैटरडे है तो ट्रैफिक यहाँ पर भी है और आगे एक्सप्रेसवे पर भी मिलने वाली है। एक बार गया था मैं, सैटरडे को ही निकला था, हैदराबाद वाला व्लॉग आपने अगर देखा होगा तो, जो इंस्टाग्राम स्टोरी पे मैंने हाईलाइट व्लॉग बनाया था, हाईएस्ट माइलेज वाला। तो सैटरडे था, ट्रैफिक, तो देखते हैं, बट इसका भी एक अपना ही मज़ा है। बाय यू नो यू विलिंग टू बिकम अ क्रिकेटर, यू कांट कंप्लेन कि बैट का वजन ज़्यादा है। वैसे ही कार चलाने का मन करता है तो शुड नॉट क्रिप अबाउट द ट्रैफिक एंड अदर थिंग्स।
और अंधेरा लगभग हो ही रहा है 5:30 के आसपास, बिकॉज दिसंबर चल रहा है, अदरवाइज धूप होती है। ऑल राइट गाइस, 7:06, 128 किलोमीटर हमने कर लिए हैं पवई से, 128.6, फोकस नहीं आ रहा है तो आई एम सॉरी। माइलेज 22.9, रेंज 1170, 123 किलोमीटर्स डन फ्रॉम होम, 5 किलोमीटर्स पहले से थे जैसे कि आप जानते हैं। एवरेज स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर, टाइम हो रहा है 7:07, एंड टेम्परेचर इज 27.5। 3 घंटे 27 मिनट लग गए आज हमको तलेगांव टोल प्लाज़ा तक पहुंचने के लिए। जैसे कि आपको पता है मैं तलेगांव टोल प्लाज़ा के बाद ही हमेशा रुकता हूँ, हालांकि मैंने घर से ही लाया है हमेशा की तरह, तो वो खाता हूँ, बट वहाँ पे कॉफ़ी नहीं, चाय पियेंगे 25 रुपये वाली, एंड देन वी आर ऑल गुड टू कंटिन्यू फ्रॉम हियर। पीछे की सीट पे मैंने कपड़े रखे हुए हैं, लैपटॉप बैग एंड ये खाने की बैग रखी है जिसमें से निकला है चपाती और मेथी की सब्ज़ी। आज चिकन नहीं है क्योंकि मैं घर से निकला हूँ। मैं लोगों को लगता है कि मैं क्या कहते हैं उसे, चिकन जो है फेवर करता हूँ हमेशा ऑन अ ट्रिप। नहीं, ऐसी बात नहीं है। नॉर्मली क्या होता है कि मुझे वेज खाना पसंद है, बट जो वेज में मैं खाता हूँ जैसे कि मेथी की सब्ज़ी, भिंडी की सब्ज़ी, पालक, शेपू, ये सारी जो सब्ज़ियाँ होती है वो होटल पे नहीं मिलती। होटल पे वही पनीर, फिर शाही पनीर, फिर छोले, फिर पता नहीं क्या क्या, चना मसाला, वेज कोला पूरी, वो सब मुझे नहीं पसंद, तो इसलिए मजबूरी में मैं चिकन खाता हूँ गाइस। सो गाइस, ये चिकन शॉप पे आया था, काफ़ी अच्छी वैरायटी थी इनके पास और ले लिया है क्योंकि कुछ लोगों को मैं मिलने वाला हूँ। अब वहाँ से यहाँ से निकलते हैं, चाय पीने का मन नहीं है। स्नीकर ले लिया है मैंने, ये खाऊंगा, फ्रेश हो जाऊंगा अंदर मिलिए। ओके गाइज, निकल चुके हैं डिनर करके, 8:17, यहाँ तक का आपको स्टैट्स बता देता हूँ। 129 किलोमीटर्स कर लिए हैं हमने, एवरेज इज 22.7, रेंज इज 1180, 124 किलोमीटर्स कर चुका हूँ एंड एवरेज स्पीड इज 35, जिसकी आप जानते हैं। अब यहाँ से हमको जाना है कोल्हापुर, मतलब कोल्हापुर होते हुए जाना तो वैसे बैंगलोर है, तो सोचा हूँ कोल्हापुर में टी ब्रेक या समथिंग लाइक दैट ले लें। कोल्हापुर यहाँ से 250 किलोमीटर दूर है एंड या दैट्स अबाउट इट। बाकी अभी डिनर हो चुका है, लंच था वैसे, लेकिन वो डिनर ही कंसिडर करूँगा एंड देन विल सी, जहाँ पे भूख लगती विल चेक वॉट इज अवेलेबल टू ईट, बट दैट विल बी लिटिल लेट नाउ। वो मेरी आवाज़ आ रही है आपको, बिकॉज माइक से बात कर रहा हूँ, नॉट फ्रॉम द माइक्रोफोन इन द मोबाइल। तो अभी हम हैं पुणे सातारा स्ट्रेच पर और ये छोटा सा घाट है जिसे खम्बट की घाट कहते हैं, वो स्टार्ट होने वाला है, स्टार्ट हो ही गया है। ये सिर्फ आपको पुणे से सातारा जाने की तरफ लगता है, सातारा से जब आप पुणे की तरफ आते हो तब आपको नहीं लगता क्योंकि वहाँ टनल बनाया गया है। इनफैक्ट यहाँ पे भी टनल का काम कर रहे हैं मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे आइडिया है, तो वो बात है। एंड बहुत टाइम के बाद मैंने कैमरा ऑन किया पुणे में, जब डिनर ख़त्म करके निकला तो फिर म्यूज़िक ऑन करके थोड़ा सा ड्राइव कर रहा था, फील कर रहा था ड्राइविंग को, बिकॉज लास्ट टाइम मैंने बोला कि जब मैं घर पे रहता हूँ सोचता हूँ कि ये बोलूँगा आपके साथ, वो बात शेयर करूँगा, बट जब स्टीयरिंग हाथ में आता है देन आई जस्ट वॉन्ट एंजॉय दी ड्राइव द मशीन एंड द होल एक्सपीरियंस लिव विथ इट, तो वो बात है। इस रोड पर मैं 2018 में बाइक पे आया था एंड दैट एक्सपीरियंस वॉज वेरी ऑसम क्रेजी। आई बटन में या फिर कमेंट में, फर्स्ट कमेंट में मैं पिन कर दूंगा उस वीडियो, वो भी मैंने एक जर्नी रिकॉर्ड की थी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ के ज़रिए, उसकी हाइलाइट्स मेरे पास थी तो मैंने उसका यूट्यूब पे एक प्राइवेट वीडियो बनाया हुआ है। बिकॉज वो बैनर देखा आपने, थोड़ा 5 सेकंड पीछे जाके देखना, पूरा सफ़ेद कलर का बच्चा मुस्कुरा रहा है, लुक्ड वेरी वेरी वियर्ड, ठीक है। तो वो एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा था, वो आप वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा। लिटरली ठंडी का मौसम था, फेब्रुअरी वॉज अ मंथ एंड बाइक चलाकर मेरे जो घुटने थे पूरे शरीर
का जो सबसे ठंडा हिस्सा था वो मेरे घुटने थे गाइस। और 3 बजे या 3:30 बजे मैं कुछ पहुंचा था वहाँ पे होटल में, और वहाँ पहुंचने के बाद मैंने कंबल लिया, कंबल लेके सोया। आई वोक अप एट 7 फॉर द ट्रेनिंग, और उठने के बाद भी मेरे घुटने जो थे वैसे के वैसे ठंडे थे। तो दैट वाज क्रेजी, लिटरली जो कहते हैं ना वो सर्दी घुस गई थी अंदर तक शरीर के, तो उस तरह का एक्सपीरियंस था। एंड उसके पहले मैं आया था बाइक पर महाबलेश्वर 2017 में, महाबलेश्वर गया था। तो सेम घाट सेम रोड लगता है वाई तक, और वाई से फिर मैंने राइट लेकर ऊपर महाबलेश्वर की तरफ गया था। बड़ा मन था महाबलेश्वर आज जाने का, भोगते हुए जाने का, बट वो डी रूट है 100 किलोमीटर्स का, मुझे तकरीबन 75 किलोमीटर्स एक्स्ट्रा लगेंगे। बट जाने का रीज़न ये था कि मुझे वहाँ पे गए ओल्ड मार्केट जो है महाबलेश्वर, वहाँ जाकर ना स्ट्रॉबेरी शेक पीना था एक दुकान से, नॉट फ्रॉम मैप्रो, मैप्रो वाला तो है ही बट उससे मुझे ज़्यादा कोई टेस्ट नहीं लगा। बट दी ओल्ड मार्केट में एक बंदा है, उसकी दुकान थी स्ट्रॉबेरी चॉकलेट शेक, अमेजिंग बनाता है। बट अगर मैं सोचूं भी वहाँ जाने का तब तक तो वो शॉप भी बंद हो जाएगी, क्योंकि फ़िलहाल गाइस बज रहे हैं 10, एग्जैक्ट 10 बज चुके हैं। यहाँ तक का स्टैट्स भी मैं आपको बता देता हूँ, 224 किलोमीटर कर चुका हूँ घर से, एंड माइलेज यहाँ तक है 23.9 का। काफ़ी बुरा माइलेज मिला है क्योंकि वीकेंड होने के वजह से ट्रैफिक था एक्सप्रेसवे पर, एंड देन पुणे क्रॉस करते हुए भी ट्रैफिक थी काफ़ी ज़्यादा, तो उसके वजह से। एंड रेंज शोइंग 1070, और हमें जाना है तकरीबन 774 किलोमीटर्स, 219 किलोमीटर आज चला चुका हूँ, और एवरेज स्पीड बढ़ गई है, लास्ट टाइम अपडेट दिया था तब से 41 की हो चुकी है एवरेज स्पीड। एंड यहाँ का टेम्परेचर गाइस है 24 डिग्रीज। बाय द वे काफ़ी गर्मी लग रही है, मतलब एसी मैंने थोड़ा बीच में बंद किया था यू नो, तो काफ़ी गर्मी लग रही थी। 5 घंटे 19 मिनट हो चुके हैं ड्राइव करते हुए, एंड और हमें तकरीबन 12 घंटे 7 मिनट ड्राइव करनी है। एक्सपेक्टेड अराइवल टाइम मैं आपको बता देता हूँ 10:09 का है, दैट इज़ एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल। अब देखते हैं, एक चाय ब्रेक लेना है, सोच रहा हूँ कोल्हापुर में कहीं पे ले लेता हूँ चाय ब्रेक, और भूख थोड़ी सी मिट चुकी है मेथी खाने के बाद, बट वो था एक्चुअली लंच, तो पूरे दिन में मैंने सिर्फ एक टाइम का खाना खाया अदर देन द ब्रेकफास्ट, तो वो तो नहीं चलेगा क्योंकि अगर मैं स्किप करता हूँ देन व्हाट विल हैपन इज रात को 2 या 3 बजे भूख लगना स्टार्ट हो जाएगा, और उस टाइम पे कुछ मिलेगा नहीं हाईवेज पर, तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए फिलहाल इस घाट में है, घाट सेक्शन को एंजॉय करते हैं, थोड़ा सा ही बाकी है बट इट्स नाइस। उत्तराखंड का ट्रिप करने के बाद ये सारे घाट अब ठीक से लगते हैं, है ना, क्योंकि वहाँ पे तो रियल था, रियल घाट, वो भी भीमताल में, विच इज़ जस्ट द स्टार्टिंग ऑफ उत्तराखंड। बट खैर वहाँ पे बार बार जाना होता नहीं है उत्तराखंड साइड पर, तो हमारे पास जो वेस्टर्न घाट्स है उसी को हम एंजॉय कर लेंगे। यहाँ पे घाट खत्म हो जाता है गाइस, तब कोल्हापुर तक का रोड तो मैंने एक्सपीरियंस किया है, अब कोल्हापुर के आगे जो रोड आएगा वो मेरे लिए नया होगा। कोल्हापुर मैंने बताया ट्रेकिंग के लिए गया था 2018 में, और फिर पिछले साल मेरे दोस्त के ससुराल गया था
कोल्हापुर रिचल करंजी जी साइड पर, तो वहां से आगे इट विल बी फर्स्ट टाइम। पुणे टू सातारा 6 लेन हाईवे है, पुणे टू सातारा 3 लेन, सातारा टू पुणे 3 लेन, और पुणे से तो आप मुंबई के लिए जानते ही हो, वो तो एक्सप्रेस है, वो अलग बात है। बट ये जो 3 लेन है ना, ये इस पर कम ट्रैफिक है कंपेयर टू यू नो दैट दिल्ली मुंबई स्ट्रेच, वो भी 3 लेन वन साइड दिया हुआ है, यू नो टोटल 6 लेन, तो वो बात है। और सातारा क्रॉस करने के बाद 4 लेन हो जाता है, तो मैंने लास्ट टाइम भी बताया था आपको कई सारे व्लॉग्स में कि सबसे ज़्यादा मज़ा 4 लेन में आता है ओवरटेक्स करने में, आप अलर्ट रहते हो। 6 लेन में थोड़ा सा क्या है कि स्पेस ज़्यादा मिल जाता है, ट्रैफिक ऐसा हो कम हो, देन यू स्टार्ट फीलिंग ड्राउजी स्लीपी एंड यू नो व्हाट नॉट, वो बात है। और मैकविल्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, परफॉर्म से मेरा मतलब है साइलेंट है काफ़ी, यू नो कंपेयर टू द स्टील रिम्स, वो बात है। तो अभी 10:25 हो रहा है, वी हैव डन 254 किलोमीटर्स, और माइलेज यहाँ तक इम्प्रूव कर लिया मैंने, 24.6 निकाल लिया है माइलेज, रेंज मुझे दिखा रहा है 1190। तो मिलता हूँ आपको आगे कहीं पे रुक कर। ऑलराइट गाइस, 12:19 इन द मॉर्निंग, कर्नाटका इंटर कर रहे हैं कोगनोली टोल प्लाजा, और यहाँ तक 406 किलोमीटर कर लिए हैं। पुणे का जो ब्रेक लिया था तलेगांव में, जो डिनर हमने लिया था, उसके बाद से एक भी ब्रेक हमने नहीं लिया है, टी ब्रेक लेंगे अगर टोल के आगे है तो। बाकी और हमें कितने किलोमीटर करने हैं वो मैं आपको अपडेट उतर के ही बताता हूँ। हाँ, आगे है चाय की दुकान, बात करते हैं वहाँ पर, फ्रेश भी होता हूँ, मुँह भी धोना है, लेट्स पुल ओवर। सो गाइज, एज यू कैन सी, ये है कोगनोली टोल प्लाजा, इफ आई प्रोनाउंस इट राइट, कोगनोली। और ये रही अपनी वेंटो वॉल्वो, फ्लैश ऑन कर देते हैं। तो ये रही अपनी वॉल्वो वेंटो मैकविल, ये वाले डाले थे मैंने। गाइज, मैं आपको स्टैट्स दिखाना भूल गया, तो आप देख सकते हैं 12:40, रेंज इज 1030, फिलहाल कर चुका हूँ 407 किलोमीटर, माइलेज मुझे यहाँ तक मिला है 26 किलोमीटर पर लीटर, एंड 401 किलोमीटर कर चुके हैं, 52 किलोमीटर इज़ द एवरेज स्पीड, एंड 23.5 डिग्रीज आउटसाइड, बिल्कुल ठंड नहीं है। 7:40 हमको लगे मुंबई से कर्नाटका एंटर करने के लिए, अब निकलते हैं यहाँ से। सो गाइज, बेलगावी वाले स्ट्रेच पे हूँ कोल्हापुर के बाद, और नेशनल हाईवे 48 मुंबई टू बैंगलोर, बैंगलोर की तरफ बढ़ रहे हैं, और ट्रैफिक यहाँ पे काफ़ी कम है गाइज, इस यही बताने के लिए मैंने कैमरा ऑन किया। ये जो आप ट्रक्स वगैरह देख रहे हैं ना, हार्डली मतलब ज़्यादा ट्रैफिक है ही नहीं, जबकि दिस इज़ अ वेरी यू नो मेजर हाईवे, दिस इज एन मेजर हाईवे जो बैंगलोर से चेन्नई, और चेन्नई से मतलब बैंगलोर की तरफ से आप केरला भी एंटर कर सकते हो इफ़ यू डोंट वांट टू गो थ्रू मैंगलोर, और ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है, सरप्राइजिंग विच इज़ गुड ऑल्सो, या फिर मे बी इट्स सैटरडे हो सकता है वैसा कुछ हो, आई डोंट नो। बट मैं ट्रैफिक में जनरली कार और बसेस की बात नहीं करता, मैं ट्रैफिक में बात करूँगा इस ट्रक ट्रैफिक की। सो तमिलनाडु से बहुत सारे ट्रक मुंबई की तरफ आते हैं विद कोकोनट्स एंड ऑल दोज, केरला से बनाना, बट फिर भी ट्रैफिक कम है, एम्प्टी एम्प्टी सा है ये,
यहाँ तक मैं बता दूँ आपको 458 किलोमीटर कर चुका हूँ विद द माइलेज ऑफ 25.8. द हाईएस्ट दैट आई हैव गॉन वाज ओनली 26. नॉट एबल टू गो बियॉन्ड दैट क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत सारा ट्रैफिक था, आपको तो पता ही है पुणे क्रॉस करने तक. दैट इज़ द रीज़न. बट द गुड थिंग इज़ 458 किलोमीटर करने के बावजूद भी रेंज जो बता रहा है गाइज वो है 880 किलोमीटर. और मुझे जाना है फिलहाल 540 किलोमीटर. अराइवल टाइम दिखा रहा है 9:47 AM. तो वो बात है. क्या लिखा है यहाँ पे, पीस कलेक्शन बूथ 1.25 किलोमीटर अहेड. ये 1.25 थोड़ा हॉट नहीं था, यूजुअली 1 किलोमीटर होता है. फर्स्ट टाइम मैंने देखा 1.25. हो सकता है कि एग्जैक्ट 1 किलोमीटर पर लोग ने नहीं कर सकते क्योंकि जरा पेट्रोल पंप्स विच आई कैन सी, तो वो बोर्ड लगाने की जगह नहीं रही होगी. दैट कुड बी द रीज़न. आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइए व्हाई इट इज़ ऑड. मुझे तो यही लगता है कि एग्जैक्ट 1 किलोमीटर पर जगह नहीं रही होगी लगाने की. तो बढ़ रहे हैं टोल प्लाजा. इट्स 2:45 इन द मॉर्निंग गाइज. अभी धारवाड़ का टोल प्लाजा हमने क्रॉस किया, धारवाड़ कर्नाटक, और ये बाईपास रोड पे है. और अपडेट देनी थी आपको, रोड कंडीशन के बारे में बताना था कि ये जो रोड है वो सिंगल लेन है और ट्रैफिक वगैरह तो नहीं है यहाँ पे, बट इट्स जस्ट सिंगल लेन बाईपास रोड. आई थिंक 30 किलोमीटर का कुछ बाईपास है ये. तो दिस इज इट, बट इट इज़ पार्ट ऑफ नेशनल हाईवे 48 ओनली. और यहाँ से पणजी के लिए भी एक रास्ता निकलता है. पणजी इज 165 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर. एंड सिंगल लेन होने की वजह से हाई बीम का इशू होता ही है. कुछ लोग समझदार होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, तो डिपर देने के बाद दे ऑल्सो पुट द डिपर, कार वाले. बट ट्रक वाले नहीं करते और उनके लिए इतना फंक्शन ईजी भी नहीं होता है बार बार अपर डिपर करना, अनलाइक कार गाइस. इफ यू नो व्हाट आई मीन, दैट इज दैट. चलिए अब चाय की तलब है, 3 बजे की चाय पीनी है, 3 या 3:30 बजे की. सो विल हैव दैट. स्टैट्स भी बता ही देता हूँ गाइस आपको. 568.7 किलोमीटर्स हो चुके हैं, माइलेज 26.2 का अचीव कर लिया गया है, हाईएस्ट सो फार. रेंज इज 730 किलोमीटर्स. एंड हमको और जाना है 430 किलोमीटर्स. 9:34 AM इज द एक्सपेक्टेड अराइवल, यानी कि और 6 घंटे 45 मिनट की ड्राइविंग. फिलहाल मैंने की है 9 घंटे 45 मिनट की ड्राइविंग. बाहर का टेम्परेचर है 21 डिग्री. तो थोड़ी थोड़ी अब भूख भी लग रही है गाइस, क्योंकि मैंने बोला था आपको कि मैंने एक ही मिल खाया है, वो जो डिनर भी कंसिडर किया मैंने, बट नाउ आई एम एक्चुअली हंग्री. मेरे पास कुछ है नहीं दिस टाइम, आई एम नॉट कैरिंग एनीथिंग टू ईट. जो बैग मैंने दिखाई ना, जो जिसमें खाना है, वो नाश्ता है मेरा 3 दिन का. सो आई एम कैरिंग दैट लाइक ब्रेकफास्ट फॉर 3 डेज, नॉट टू बी ईटन एज अ डिनर नाउ. तब देखते रास्ते में कुछ अगर हल्का फुल्का मिल गया देन नथिंग लाइक इट, मज़ा आ जाएगा अगर कुछ स्पाइसी खाने मिला, बट यू नेवर नो. बाकी तो क्रीम रोल वगैरह चल रहे हैं हाईवे पे. सो लेट्स सी, जहाँ भी रुकूंगा देता हूँ आपको अपडेट. बाहर हो रहा है 21.5 डिग्री और मुझे पिछले 1 घंटे से बहुत ज़्यादा भूख लग गई है, बहुत मतलब बहुत. अनफॉर्चुनेटली जो भी खाने की जगहें हैं वो अपोजिट साइड पे आ रही हैं. लेफ्ट साइड पे कुछ नहीं आ रहा है, चाय की दुकान वगैरह भी कम ही आ रही है. और मुझे चाय की दुकान पे खाना नहीं मिलेगा, मुझे प्रॉपर खाने वाली भूख लगी है. पर अगर अभी मजबूरी में कोई चाय की दुकान भी आती है तो वहाँ पे क्या है, वो क्रीम रोल वगैरह कुछ खा लूँगा. लेट्स सी. टोल पे भी कुछ नहीं था, देखो ये चाय की दुकान ऐसी छोटी है, यहाँ पता चल रहा है यहीं से कि कुछ नहीं है, सिगरेट वगैरह ही है और बस बिस्किट्स, वो सब नहीं खाना है, प्रॉपर खाना चाहिए. भूख लग गई यार.
गाइस फाइनली एक ढाबा मिल गया है। मोबाइल को भी नींद आ रही है शायद। कार मैंने वहाँ पार्क कर दी है, हाईवे के पास ही है ये। खाते कुछ यहाँ पे चिकन बोला है, चिकन मसाला और चपाती। गाइस आ गया खाना, चिकन और रोटी और प्याज। खाते हैं, टाइम हो रहा है वैसे 5। भैया पूछ रहे थे खाना नहीं खाया कैसे रात को, प्यार से पूछा। चलो अच्छा है, गर्मा गर्म फ्रेश है, ख़त्म करते हैं, निकलते हैं। तो गाइस यहाँ पे खाना खाया था मैंने और पार्क यहाँ पे की है गाड़ी, काफ़ी अच्छी लग रही है विद द मैकवीज। निकल रहा हूँ। ओके गाइस यहाँ तक के स्टैट्स आप देख सकते हैं, 5:27 PM 5:27 AM, 26.5 का माइलेज, 704 किलोमीटर्स ऑन द ट्रिप, 580 इज द रेंज एंड टोटल ड्राइविंग टाइम इज 11 hours 40 minutes। निकलते हैं अब। और ये था वो जय हिंद ढाबा, जय हिंद कोल्हापुरी ढाबा। Thank you.
बैंगलोर के थोड़ा पहले हूँ, 60 किलोमीटर पहले कार लगा दी है, फ्रेश हो गया हूँ, मतलब मुँह धोया मैंने फेस वॉश से और चाय ली है, छोटा सा स्टॉप यहाँ से, और वहाँ से हमारे बैंगलोर उस तरफ है, धूप है अच्छी खासी, और फाइनली होटल में पहुंच चुका हूं, पार्किंग में हूं, स्टैट्स आपको बता देता हूं, 9:53 इन द मॉर्निंग, 999.2 किलोमीटर, माइलेज 26.3, रेंज 160 एंड एवरेज स्पीड 63, 24.5 डिग्री आउटसाइड, टोटल ड्राइविंग टाइम 15 आवर 54 मिनट्स। अब बाकी बात होटल पे करता हूं, रूम टूर देता हूं आपको। यहां से है एंट्री, यहां से मैंने एंटर किया, इस तरह से आपको व्यू मिलता है। सबसे पहले वॉशरूम, गीजर वगैरह है, ये मिरर जहाँ पे तस्वीर खींच सकते हैं, खुद तो देख भी सकते हैं, दो टेबल दिए गए हैं, बढ़िया सा बिस्तर, क्लीन लिनन, टीवी, टेबल, और थोड़ा व्यू यहाँ से तो बिल्डिंग ही है। अब नहाता धोता हूँ, सो जाता हूँ।